तो बेसिकली आज की क्लास में हम बात करेंगे एक छोटी सी प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या है हाँ जानिए, मेरे पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर में मेरे पास एक 2022 का फोल्डर बनाना है। उस 2022 फोल्डर के अंदर हमें जो मंथ चल रहा है उस मंथ का फोल्डर, कौन सा मंथ चल रहा है, 11वां, तो यहाँ हम 11 मंथ का फोल्डर बनाएंगे। और फिर इसके अंदर आज डेट 8 तारीख है, तो एक और फोल्डर 8 का फोल्डर बनाएंगे। क्या तो बनाएंगे, न्यू ओके 8 का फोल्डर, और इसके अंदर आज की डेट की फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। 08/2022। तो मैं ऐसा मैक्रो बनाना चाहता हूं कि जब भी रन हो, रन होते ही चेक करे कि इसमें 2022 का फोल्डर है या नहीं है। ओके चेक करना अगर, है। जी हाँ, अगर है तो ठीक है, ना है तो बना दे। फिर इसके अंदर जाए और चेक करे कि 11 नंबर जो महीना चल रहा है उस महीने का फोल्डर है या नहीं है। अगर है तो बना, है तो ठीक है, नहीं तो बना दे। फिर उसके हाँ अंदर जाए और चेक करे कि डेट, आज की डेट का फोल्डर है या नहीं है। अगर है तो बना दे, अदरवाइज इसके अंदर चला जाए और आज की डेट की फाइल बना के यहाँ पे स्टोर कर दे, ठीक है। ओके चलिए इसका कोडिंग हम करते हैं आपके साथ, ठीक है। ओके यार विजुअल बेसिक पे आते हैं विजुअल बेसिक मॉड्यूल और यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ओके तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम का जो डेट है वो कैसे पिक करें, उस डेट से मंथ, ईयर और डे कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे मैं वाई का फॉर्मूला लिया, यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगाया और डेट से हमने ईयर को पिक करके वाई पे स्टोर कर दिया। फिर एम का लगाया, यहाँ पे मैंने मंथ का फॉर्मूला लगाया और हम डेट से मंथ पिक करके एम पे स्टोर कर दिए। और सेम हम डी का फॉर्मूला लगाया डे का, और हमने डेट से डे पिक करके यहाँ पे रख दिया। तो ये क्या ओके है, ईयर मंथ और डेट सिस्टम का एक एक्सेल का फॉर्मूला है जो कि VVAP सपोर्ट करता है। किसका फॉर्मूला है, का एक्सेल का फॉर्मूला है। तो ये एक्सेल क्या करेगा, डेट क्या है, सिस्टम डेट, जैसे एक्सेल में टुडे होता है ऐसे यहाँ डेट है, जिसमें से ईयर मंथ डे को अलग करके YMD पे यूज करेगा ताकि आगे हम इसका यूज कर सके, ठीक का है। ओके क्लियर है। हाँ, क्लियर अब यहाँ हमारे पास डेट होता है, डेट, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि डेट कुछ इस तरह से होता है। तो प्रॉब्लम होती है कि हम कोई फाइल का नेम इस तरह से नहीं दे सकते। अगर मुझे कोई फाइल का नेम देना है, फाइल का नेम देना है तो क्या करें, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ हम लगाएंगे dt इक्वल टू, हम लगाएंगे फॉर्मूला फॉर्मेट का फॉर्मेट, और फॉर्मेट फॉर्मूला में हम यहाँ डालेंगे डेट और यहाँ ओके DD/MMM/NYY, ठीक है। तो ये अलग कर देना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट में टुडे, टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, सिस्टम डेट देता है, एक्सेल करता है। और फॉर्मेट यहाँ DD/MMM एम एन एन वाई 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 तो ये आपका डेट दे देगा, देखिए दिया डेट। तो सेम इसी तरह से यहां भी वर्क होता है, क्लियर है। हाँ क्लियर हम बात करते हैं, मुझे फोल्डर बनाना है। तो VBA में फोल्डर बनाने का कोड क्या होता है, फोल्डर बनाने का कोड होता है MKDIR, मेक डायरेक्टरी, स्पेस दीजिए, किस ड्राइव में बनाना है उस ड्राइव को यहां दीजिए,
और फिर इसमें दे दीजिए अपना फोल्डर, वो फोल्डर बना दिया। बट प्रॉब्लम है कि 2022 मुझे मैनुअल नहीं लिखना है, हमें यहाँ वाई से उठाना है, तो हम क्या करेंगे इसके जगह पे वाई कॉनकेट कर वाई देंगे। क्या कर डाल देंगे, कॉनकेट वाई को कॉनकेट कर देंगे। फिर मुझे नीचे दूसरा वाई के अंदर दूसरा फोल्डर बनाना है एम का, तो यह हम स्लैश मंथ दें, स्लैश कॉनकेट करेंगे और फिर यहाँ पे हम कर देंगे एम, जो कि मंथ का बना देगा। और फिर वापस यहाँ एन परसेंट और स्लैश एन परसेंट, और हमने कर दिया डी। डी ने क्या किया, डे का फोल्डर। तब क्या होगा कि ई ड्राइव में वाई का फोल्डर बनाएगा, इसके अंदर मंथ, इसके अंदर डे का फोल्डर। क्लियर है, या डाउट इसमें? या नहीं नहीं क्लियर अब यहाँ अगला टॉपिक आता है कि हम किस तरीके से एक वर्कबुक ऐड करें और इसको इस लोकेशन में इस नाम से सेव करें। यहाँ लिखेंगे हम, हमें पता है कि वर्कबुक किस नाम से सेव करना है, तो यहाँ लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट एड डॉट सेव एज, और फिर यहाँ पाथ। तो हमें पाथ तो पता है कि पाथ है, लेकिन पाथ के साथ हमें ये बताना है कि इसका 10% हमने लगाया और हमने यहाँ पे स्लैश दिया, फिर 10% लगाया, डीटी दिया और फिर 10% लगाया और हमने इन्वर्टेड कॉमा में दिया डॉट एक्सलेस एक्स डॉट एक्सलेस एक्स। तो ये क्या करेगा, एफ डी के अंदर डीटी नाम का और डॉट एक्सलेस एक्स Recording फाइल stopped. क्रिएट कर देगा। Recording in रिकॉर्डिंग इन progress. प्रोग्रेस, ठीक है सर। और जो फाइल ऐड हुई है उसको क्लोज करना Okay. है। एक मिनट सर, और उसके बाद यहां लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट क्लोज, नहीं ये वर्कबुक नहीं होगा, एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसको एक बार टेस्ट ओके करते, क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले तो फोल्डर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि एक नाम के दो फोल्डर तो नहीं बन सकते ना, करेक्ट हाँ एक बार हम फोल्डर डिलीट करते हैं। माइक्रो को रन हो गया क्लोज, ताकि देखें 2022 इसके अंदर 11 11 30। अरे 30 क्यों यार, 30 दिन तो नहीं है क्या? Recording रिकॉर्डिंग stopped. स्टॉप, Recording in progress. प्रोग्रेस। ई ड्राइव में जाना है ना, ई ड्राइव 2022 11 ये 30 क्यों बनाया, डे में
इसके अंदर ये 30 नहीं होने चाहिए ना, आज 30 थोड़ी है डेट। नहीं आज नहीं जाए आज जाए एक थर्टी क्यों? मिनट वही देख रहा हूँ मैं। और तो आपने आपने टुडे टुडे फॉर्मल नहीं फॉर्मल दिया नहीं था दिया ना था? उधर? नहीं डेट। अच्छा ये देखिए, ये हार प्रॉब्लम है, डेट के स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है अच्छा अब सही आएगा। हाँ बट वही प्रॉब्लम है कि अब एक बार बन गया, सेकेंड टाइम जैसे रन करूंगा एरर देगा। क्यों? क्योंकि एक नाम के दो फाइल उधर है ऑलरेडी। है इसलिए। हाँ ओके तो कैसे करें इसके लिए? तो हमारे पास जो होता है ये होता है एक कोड होता है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ये क्या करेगा, जिस लाइन में एरर होगा, जिस लाइन में एरर होगा उसको कर देगा स्किप। क्या कर देगा? स्किप कर उसको देगा, पास कर देगा। जी हाँ, और वो चला जाएगा दूसरे को, ठीक है। ओके तो ये थी आज की कोडिंग जो कि मैंने आपको समझाया। समझ में आया आपको? या गॉट इट।